माननीय भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के परिषद की बैठक दिनांक 10/2/2021 को आहूत करने की अनुमति के संबंध में महोदय निर्देशानुसार उपयुक्त आपके ईमेल से प्राप्त तत्काल 1417/20 ने आपके अनुरोध पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए उप बैठक की अध्यक्षता करने हेतु आपको प्राधिकृत करने की कृपा की है। राजकुमार शर्मा संयुक्त सचिव उपयुक्त पद में भी आदेश प्रारूप में अब मैं माननीय कुलपति महोदय से आज के सभा का अध्यक्ष पद का आसन करने का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करना मैंने महामहिम कुलाधिपति बिहार के आदेश दिनांक 26/11/2020 को तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। COVID-19 के कारण महीनों बंद पड़े स्नातकोत्तर छात्र और संपूर्ण पहले तीसरे केस हेतु बिहार का एकमात्र प्रतिनिधि पीएमयू की छात्रा आर्या कश्यप जो BMS कॉलेज दशक की स्टूडेंट रही है। बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी पटना तथा यूनिसेफ द्वारा पीएमयू के दो कॉलेज पीएमयू कॉलेज भागलपुर तथा मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर में सेहत सेंटर खोलने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। आज तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बजट प्राक्रमण के प्रमुख बिंदुओं पर विचार हम सभी का कथित हुए हैं। आज अनुमानित बजट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह मिशन के माननीय सदस्यों द्वारा पहले से ही अनुमोदित किया जा चुका है। नवनियुक्त शिक्षकों के मई 17 से अगस्त 17 के सप्तम वेतनमान के बकाए वेतनांतर की राशि 1,20,00,000 शिक्षकेतर कर्मियों की अप्रैल 17 से मार्च 19 तक के सप्तम वेतनमान के बकाए वेतनांतर की राशि 35,53,70,000 पेंशन अन्य सेवायुक्त की लाभ इस पर राज्य सरकार दिया करती है और इस सबको खड़ा किया जाएगा। इसको इसमें इसलिए भी रखा गया है कि उनका जो बजट होगा तब वो प्रोविजन करेंगे कि हम लोग कितना देंगे। इसको माना जाए तो ये घाटा मुश्किल से 200 से 250 करोड़ का होगा। अब मैं अभिषेक के पटल पर इस समय के बजट को आगे समक्ष प्रस्तुत करने के बाद आसानी से आप अपने स्व सुझाव देकर इसे अनुमोदित करने की कृपा करेंगे और पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पहले भी आपको कई बार आवेदन दिया जा चुका है लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई विश्वविद्यालय नहीं की है। अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालय में एक विभाग है परीक्षा विभाग। ये विभाग का नाम बदल दिया जाए क्योंकि यहाँ विद्यार्थी परेशान होते हैं। रिजल्ट तो होता है लेकिन उसमें 25% रिजल्ट पेंडिंग होता है। या तो ये पेंडिंग जानबूझ के किया जाता है या इसमें मोटी कमाई का एक जरिया है। हम चाहेंगे इस बार जो रिजल्ट निकला है ना वो 100% पेंडिंग फ्री है। हमने देखा है कि जब पेंडिंग होता है तो लगातार विद्यार्थी विश्वविद्यालय में चक्कर लगाते हैं। जब लगाते लगाते थक जाते हैं तो माफियाओं से मिलते हैं, दरारों से मिलते हैं और विद्यार्थी का आर्थिक दोहन आर्थिक दोहन होता है जिसमें से कि 90% से अधिक पैसा शिक्षक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जाए और रक्षा नहीं हो रही है। ये क्या उपाय होगा? छात्र के प्रतिनिधि नहीं है, उनकी बात को कौन सुनेगा? और हम चाहेंगे आप सारे महाविद्यालय से आप रूटीन दीक्षांत समारोह की तैयारी किए उसी प्रकार से यह जोन बना रहे हैं। कॉलेज भागलपुर में सेहत सेंटर खोली जाएंगे। सर पूर्व की अपने विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करी गई है लेकिन यह खेद होता है कि अपने स्वास्थ्य केंद्र में न दवाई की व्यवस्था समुचित है न शिक्षक न वहाँ चिकित्सक बैठते हैं। पिछले जब मैं छात्र का अध्यक्ष हुआ करता था आंदोलन करके वहाँ चिकित्सक की बहाली करवाई गई थी सर, नहीं तो वहाँ सिर्फ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के भरोसे अपना स्वास्थ्य चल रहा था। छात्रों को वहाँ सस्ते लोहे के पैरहरे होंगे तो घर पर बिटा माता जल नम होगी या मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता जल। धन्यवाद। भारत माता की जय। रजिस्ट्रार साहब से कहा गया है कोई एजेंडा को एक दो तीन जो है अपना व्हाट्सएप पर भेजा है लेकिन
सदन को मिलना चाहिए, सभी सदस्यों को मिलना चाहिए, एक रिकॉर्ड है उसको रखने की आवश्यकता होती है कभी कभी, तो मुझे लगता है कि हार्ड कॉपी अगर उपलब्ध है उसको बढ़वा दिया जाए एजेंडा की और उसकी काफी जो वह प्रेस साल भर बैठा हुआ है उसको वेतन देते हैं आप, किस चीज का वेतन देते हैं आप उसको, बैठा कर खाने का तो नहीं देते हैं, हमसे पढ़वाते हैं आप हमको वेतन देते हैं। जब विद्यालय में कोई कार्यक्रम आयोजित होती है तो उनसे उसको किसी भी रूप में सूचना प्राप्त नहीं होता है, तो बजट के बाद बजट सेशन के बाद भी कम से कम सीनियर सदस्य यदि आपके अंग है और सरकार इस बात को महत्व देती है, क्योंकि बजट सेशन में ही आपको उपस्थिति के लिए बुलाते हैं, एक व्यवस्था जो छात्र बाहर में धरना पर बैठे हुए और दूसरी व्यवस्था जो सारे कैंपस में सारे कॉलेज के कैंपस में कर्मचारी और प्रोफेसर रहते हैं। हाँ, संगठन के द्वारा छात्र भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा एक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हुआ था, सीसीटीवी फुटेज देख लिया जाए और किसी लोकतांत्रिक तरीके से ये छात्रों का अपना अधिकार है अपना विषय रखने का उसके एफआईआर करना, इसकी मैं निंदा करता हूँ। साथ ही साथ श्रीमान एक और विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अधिसद के सभी सम्मानित सदस्य की तिलका मान्य भवन विश्वविद्यालय भागलपुर प्रशासन के ध्यान पिछले स्वतंत्रता ग्रामीण अनुसार विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किए गए उन कार्यों की ओर पेश करना चाहता हूँ जो आए दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है। मूल्यांकन परीक्षा विभाग श्रीमान मैं की बैठक में आज मांग करता हूं कि इन मामलों की जांच हेतु अधिसर सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए जो एक महीने के अंदर अपना जांच रिपोर्ट कुलपति महोदय को सौंपे ताकि विभाग अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए कार्यों पर उचित कार्रवाई की जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में और आपके यूनिवर्सिटी को काफी योगदान देती रही है, खेलकूद के क्षेत्र में भी हम लोगों का काफी योगदान रहा, इसी क्रम में उनके अनुरोध पर और एक एकरारनामा तय हुआ था जो हमारा रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी के साथ, उस एकरारनामा के अंतर्गत हम लोगों ने 10 करोड़ से भी अधिक की लागत से मारवाड़ी कॉलेज में पहला प्रभाग का निर्माण करा दिया है जो बिल्डिंग तैयार है। कृपया इसे स्वीकृत करने की मन की कृपा करना चाहिए।